चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। गुजरात की भूमि बड़ी कमाल की है। यहाँ सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी हुए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी है। ये जुमलों के शहंशाह है, उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी को तकलीफ क्या है? शेड्यूल कास्ट के लोग भारत में करीब करीब 15-16% है, वो पता है। आदिवासी समाज की जनसंख्या कितनी है, वो पता है। तो ओबीसी समाज की जनसंख्या करवाने में तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि मोदी जी ओबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं। चुनाव में यदि उनको हिंदू मुस्लिम करवाने की जरूरत पड़ी तो अपने आप को हिंदू कहेंगे। जाति का कार्ड खेलने की जरूरत रही तो अपने आप को ओबीसी कहेंगे। तो यदि आप सचमुच ओबीसी अपने आप को कह रहे हैं और ओबीसी की राजनीति से आपको सरोकार है, ओबीसी की ओबीसी समुदाय के मुद्दों के साथ, उनके दर्द के साथ, उनकी पीड़ा के साथ आपको सरोकार है, तो बताइए ना ओबीसी की जनसंख्या कितनी है और भारत सरकार के बजट में से उनको कितना मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और इसीलिए 5 जो न्याय है उसमें भागीदारी न्याय को भी रखा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो चाहती है कि इस देश में जातिगत जनगणना हो, ना ही वो चाहते हैं कि इस देश के ओबीसी एससी एसटी आदिवासी समाज को उनकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। इसीलिए गिनती करो, यानी कि जातिगत जनगणना के लिए जो सबसे अहम मुद्दा है वो है गिनती करो। जब गिनती होगी, जब सबको पता चलेगा कि वो कितने हैं, तभी उनकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित हो पाएगी। देखिए, भारत के संविधान में हमारी प्रस्तावना में ये कहा गया है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए। वॉट आप भी, आपका भी एक है, मेरा भी एक है, एक प्रकार से पॉलिटिकल जस्टिस ठीक ठाक है। लेकिन जब तक जाति जनगणना न हो तब तक ये जो केक है उसका पीस कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चलेगा। आदिवासियों की संख्या कितनी है, दलितों की संख्या कितनी है और ओबीसी समाज की जनसंख्या कितनी है, ये एक्सरे निकालने में किसी को भी तकलीफ क्यों होनी चाहिए? बहुत बेसिक डिमांड है। इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि राहुल जी का ये कहना है और हम सभी का ये मानना है कि एक बार पता चले कि दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और ओबीसी कितने हैं, तो फिर सवाल ये आएगा। तो उसमें इन तीन समुदायों को, जो भारत की करीब करीब 75-80% जनता है, उसको बजट में कितना हिस्सा मिलता है, उनके पास कितनी गैस की एजेंसीज है, उनके पास कितने पेट्रोल पंप है, कॉरपोरेट हाउसेस में इनमें से कितने लोग मालिक है, कितने लोग मैनेजर है, उनको कितने ठेके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, कितने टेंडर मिलते हैं, कितने माइनिंग लीज है, इनके कितने लोग मीडिया में है, कितने लोग न्याय तंत्र में है। तो अब तक क्या हुआ है कि दलित आदिवासी ओबीसी समुदाय को आरक्षण के नाम पर या छोटी मोटी योजनाओं के नाम पर केक के ऊपर जो गुलाबी रंग की चेरी होती है वही दिखाई गई है। राहुल गांधी अब उनको पूरा केक दिखा रहे हैं, ये सब तुम्हारा है, ये दलित आदिवासी डीएनटी ओबीसी कौन है? मूलतः तो वो मजदूर है, ईंटों के भट्ठों में ही जाते हैं, केमिकल की फैक्ट्री में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की साइट में जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, उनकी महिलाएं ही आशा वर्कर है, उनकी महिला ही आंगनबाड़ी की बहन है, डोमेस्टिक के हेल्प के तौर पे काम करी। तो भारत का पूरा श्रमजीवी वर्ग तो यही है, उसी के खून और पसीने से एक एक वस्तु का निर्माण होता है। ये टी शर्ट बना तो किसी फैक्ट्री में बना, जिस कैमरे से साथी ये रिकॉर्ड करे वो भी किसी प्लांट में या फैक्ट्री में बनाए, तो वहाँ जो पसीना बहाने वाला वर्ग है, तो यही दलित आदिवासी ओबीसी है। तो ये दलित आदिवासी ओबीसी की टोटल जनसंख्या का पता चले तो फिर असली सवाल आएगा कि केक का कितना हिस्सा उनको मिल रहा है। दलित आदिवासी ओबीसी समुदाय के साथ न्याय तभी हो सकता है तब सारे संसाधनों में, सारी संपत्ति में और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण न्याय है भागीदारी न्याय। अभी 39 कैंडिडेट्स की कांग्रेस की लोकसभा के लिए पहली लिस्ट जारी हुई है जिसमें 24 कैंडिडेट्स एससी एसटी ओबीसी वर्ग से रखे गए हैं। बहुत बढ़िया, तो हम लोग जो कह रहे हैं वो हम लोगों को प्रैक्टिस में भी लाना चाहिए। तो ये बहुत ही, मतलब हम अब सीना तान कर कह पाएंगे कि केवल ये बातों के लिए नहीं है, सचमुच हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात आपने शेयर की। इतने 35-40 कैंडिडेट में से 24 कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में एससी एसटी ओबीसी बैकग्राउंड के हो, तो ये बहुत बढ़िया बात है, उसी दिशा में पूरी बात आगे जानी चाहिए। और जब लगातार कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंटली इस मुद्दे पर स्टैंड ले रही है तो सवाल ये हो रहा है बीजेपी को तकलीफ क्या है? शेड्यूल कास्ट के लोग भारत में करीब करीब 15-16% है, वो पता है। आदिवासी समाज की जनसंख्या कितनी है, वो पता है। तो ओबीसी समाज की जनसंख्या करवाने में तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि मोदी जी ओबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं।
चुनाव में यदि उनको हिंदू मुस्लिम करवाने की जरूरत पड़ी तो अपने आप को हिंदू कहेंगे, जाति का कार्ड खेलने की जरूरत रही तो अपने आप को ओबीसी कहेंगे। तो यदि आप सचमुच ओबीसी अपने आप को कह रहे हैं और ओबीसी की राजनीति से आपको सरोकार है, ओबीसी की ओबीसी समुदाय के मुद्दों के साथ, उनके दर्द के साथ, उनकी पीड़ा के साथ आपको सरोकार है, तो बताइए ना ओबीसी की जनसंख्या कितनी है और भारत सरकार के बजट में से उनको कितना मिल रहा है। जुडिशरी में ओबीसी के कितने लोग हैं, कितने ठेके और टेंडर मिले, कितने माइनिंग की लीजें मिली। संसाधन की बात मत करो, सत्ता में भागीदारी की बात मत करो, आपको कोई प्रॉपर्टी एसेट लैंड नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ओबीसी हूँ मेरे साथ चलो, ये रवैया मोदी जी का है। जबकि राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे मानना है कि बहुत बड़ी जनसंख्या दलित आदिवासी ओबीसी की है इस मुल्क का, 70% 75% करीब करीब 80% कई राज्यों में दो वो SC ST ओबीसी है। तो उनको जिसको कहता हूँ पीस ऑफ केक का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, केक का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी अपनी सहूलियत के हिसाब से ओबीसी बन जाते हैं, और जैसे ही राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात उठाई, मोदी जी ने एक बयान दिया कि इस देश में सिर्फ दो जाति हैं, अमीर और गरीब। पहले वो ओबीसी थे और अब वो अमीर गरीब बन गए। इतना जातिगत जनगणना से और भागीदारी देने से और गिनती करने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो गुजरात से है, हम भी गुजरात से हैं, उनको जानते हैं हम ठीक से। गुजरात की भूमि बड़ी कमाल की है, यहाँ सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी हुए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी। ये जुमलों के शहंशाह है, उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग ठोस तरीके से ओबीसी आदिवासी और दलित समाज में ये असली मुद्दा लेकर जाए और असली मुद्दे पर मोदी जी को बुलवाया जाएगा। अब आओ, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, अब पता चलेगा कि अब कितने ओबीसी हो। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इसी से सही भागीदारी न्याय होगा। तो राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं और इसीलिए गिनती करना बहुत ज़रूरी है। जब तक गिनती नहीं होगी, इस देश के SC ST OBC आदिवासी दलित वर्ग को नहीं पता चलेगा कि वो भागीदारी उनकी कितनी है और उसके हिसाब से हिस्सेदारी उनको कितनी मिलनी चाहिए। और इसकी आवाज़ राहुल गांधी लगातार बुलंद कर रहे हैं, इसलिए 5 न्याय में से एक भागीदारी न्याय भी है। और राहुल गांधी ने कह दिया है कि गिनती करवा के रहेंगे और इस देश के हर वर्ग को उनकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी दिलवा कर रहेगी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निरंतर जारी। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।